मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन रंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष अवतार पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 107 होगा, 107। जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्हें इस बारे में नहीं मालूम, उन्हें थोड़ा सा मैं बता दूं कि गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, जो उस परम पिता ईश्वर परमेश्वर परमात्मा नारायण का अंश है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, तो वो आए अदृश्य रूप में। ये मेरे अच्छे कर्म थे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, और मेरे तकरीबन सारे सवालों के जवाब दिए। शुरू में तो मुझे विश्वास नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही असंभव बात थी, कोई अदृश्य शक्ति आपको उत्तर दे, लिखित रूप में उत्तर दे, तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ ये मानना। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने मुझे यकीन दिलवाया, और मेरी अपनी कमजोरियां थी, कमियां थी, कि मैं उनके दर्शन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमने अभी इतना तप नहीं किया है। मुझे एहसास कराया, रोंगटे खड़े हो गए, मैं बहुत वैराग्य में आ गया, जमीन पर लेट गया, रोने लग गया। ये सब हुआ मेरे साथ। उत्तर देते रहे, जो मैं सोचता था वही बताते रहे। मतलब ये गैर यकीनी है, अनबिलीवेबल है। खैर, ये मेरे साथ अनुभव हुआ, और उसके मैंने करीब 106 एपिसोड्स डाले हैं। ये उनसे मुझे आज्ञा मिली कि यदि इसके माध्यम से इसे तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम औरों का मार्गदर्शन करना चाहते हो, तो आज्ञा है। बहुत सारे उन्होंने फोटोज भी खींचे, मेरा मोबाइल फोन अपने आप फोटो खींचने लगता था। बहुत ही अद्भुत मामला था, ये नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। अब काफ़ी गैप के बाद में मैं बॉम्बे चला गया, जो मेरा या नीलू कला में आश्रम है, या नहीं था, और बहुत सारी व्यस्तताएं थी जिनकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। आज प्रयास कर रहा हूँ, जो ईश्वर कृपा करेंगे, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज कृपा करेंगे, तो ये 107वां एपिसोड होगा। मुझे 2.5 पेज 3 पेज 4 पेज ऐसे उत्तर आते थे, लिखित में आते थे, जो बहुत ही विचित्रतम बात थी, गैर यकीनी थी। कभी छोटे जवाब भी आते। तो मैं यहां से बॉम्बे गया हुआ था, बीच बीच में हम लोग बॉम्बे चले जाते हैं, तो वहां पे हमारा एक गुरुद्वारा साहिब है वर्सोवा में, 7 बंगलोज वर्सोवा में एक गुरुद्वारा साहिब है। तो डॉक्टर रूपा अक्सर वहां जाती थी, मैं भी वहां गया, कई बार गया, और कई बार ऐसा होता है कि जैसा मैंने पहले कई बार कहा कि ग्रह दशा ऐसी होती है, आप बेवजह परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो जब भी कभी ऐसी कोई स्थिति हुई, और इत्तफाक से मैं वहां गुरुद्वारा साहिब गया, और वहां बैठ के मैंने रहरा साहब का पाठ सुना, तो जब मैं बाहर निकला तो मैं वो आदमी नहीं था। आई वाज सो लाइट, इतना हल्कापन था, और मुझे कहना पड़ा कि भाई इस गुरु घर में एक विशेष बात है। वैसे तो सब जगह जहां गुरु साहब का स्वरूप है, तो उस गुरु घर में डॉक्टर रूपाक्षर जाते थे, सेवा करने भी जाते थे, सुमरण करने, अरदास करने, विनती करने जाते थे, तो अक्सर जिद करते थे, और मैं तमाम चीजों में उलझा रहता था। तो अब ये प्रभु जी तो सब सुनते हैं, सब जगह मैं अभी भी बात कर रहा हूं तो सुन रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा से संभव है कि मैं ये चर्चा कर पा रहा हूं। तो ये काफी समय के बाद ये जो वहां घटना, उन्होंने जो लिख के भेजा, कि मुझे अक्सर कहते रहते थे कि चलो गुरुद्वारा साहब चलते हैं, और मैं क्योंकि अपना काम नहीं निपटा पा रहा था, और खुद मैं ये समझता था कि भाई हम सिमरन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब डेली मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो कई बार मैं उनसे नाराज हो जाता कि भाई तुम मुझे फोर्स क्यों करते हो डॉक्टर रूपा से। तो ऐसी कुछ घटना घटी जब हम वहां गए हुए थे, तो मुझे गुरु पिता ओंकारा जी महाराज से वही लिखित रूप में उत्तर आया।
अब ये इस श्रृंखला में 107वां एपिसोड हो गया है, तो उसमें नॉर्मली वो जो शुरुआत करते थे हरिओम बेटा, यहां से वो शुरुआत करते थे। तो ऐसे हम लोगों के बीच में ये घटना घट चुकी थी गुरुद्वारा साहब जाने को लेकर। मैं कहा तुम जाओ भाई अगर तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मुझे, मैं यहीं अपना रह साहब का पाठ घर पे करूँगा, या जो भी मैं सुमरण करना है या बाकी के काम है। यहाँ पंजाब में भी दिक्कत थी, यूपी में हमारा आश्रम, वहाँ भी दिक्कत थी, और बॉम्बे में कुछ दिक्कतें चल रही थी। तो काफ़ी काल ने, माया ने उलझाया हुआ था। तो मैं कुछ आवेश में आके उनसे बोलने लग गया एक्सक्यूज में, तो वो चले गए। तो मुझे उत्तर आया शाम को, या मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं है, मेरे मोबाइल फोन में ही उत्तर आता था। ये उन्होंने मुझे मना किया था कि तुम्हें ये बताना नहीं है कि कैसे तुझे उत्तर आते थे, लेकिन उत्तर आते थे। जो तुझे उत्तर आए, मैसेज आए, उनके जरिए तू लोगों का मार्गदर्शन कर। अब जिसके भाग्य में होगा उसकी बात समझ में आएगी, दूसरे की नहीं आएगी। तो उन्होंने शुरुआत की उस मैसेज की, जो बहुत ब्रीफ मैसेज था, करीब 1.25 पेज का। हरिओम बेटा, आज रूपा के तुम्हें गुरुजी ईश्वर के घर जाने के लिए कहने पर तुम फिर आवेश में आकर उस पर क्रोधित हुए। संभवतः ये सही नहीं है। तो ये एक पैराग्राफ छोटा सा उन्होंने लिखा। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि कदाचित रूपा तुम्हारे मन की दशा जानती है, इसीलिए वो तुम्हें अपने साथ ले जाने की जिद करती है। मैं उनसे कहने लगता था कि, क्योंकि प्रभु जी ने कहा था, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने, कि मैंने उनसे बहुत प्रार्थनाएं की, हाथ पांव जोड़े, कि जब कभी मैं आपसे बात करना चाहूं, यदि ये संभव नहीं है तो मैं, कोई तरीका बताए मुझे, माध्यम, क्योंकि मैं बहुत उनके पीछे पड़ा हुआ था। मेरे भाव को देख के वो आते थे और वो कहते थे कि मुझे ईश्वर से आज्ञा लेनी पड़ती है, तो मुझे परेशानी में डाल देते हो, मेरे लिए इतने उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी भावनाओं को देख के मुझे आना पड़ता है। तब उन्होंने मुझे ये एक ऑप्शन बताया था कि तुम रूपा के माध्यम से भी मुझसे बात कर सकते हो, इसका वचन मेरा वचन होगा। तो मैं कई बार उनको छेड़ने लगता था कि भाई तुम जानबूझ के प्रभु जी बन के बात करती हो, निर्देश देती हो मुझे। तो उसके जवाब, क्योंकि उन्होंने तो सब उनको सुनता है, सब देखते हैं, तो उसके उत्तर में उन्होंने लिखा हुआ था कि रूपा ने कभी भी खुद मेरा रूप धार कर किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। ये मुझे वो जवाब था कि जैसे वो प्रभु जी उनके जरिए बोलते थे, उनकी आवाज़, उनकी भाषा सब बदल जाता था, तौर तरीका बदल जाता था, एक्सप्रेशन बदल जाते थे आंखें। और मैं कभी कभी, आप खुद ऐसे यानी ड्रामा कर रही हो प्रभु जी का, तो उसका उत्तर उन्होंने मुझे इस तरह से दिया। और फिर आगे लिखा कि वो सदैव तुम्हें खुश रखने का प्रयास करती है, किंतु भाग्यवश चूक जाती है। संभवतः तुम एक कठिन व्यक्ति हो। अब ये मेरे जो स्वभाव रहा है मेरा, शुरू से लेके मैं अग्रेसिव रहा हूं और फोर्सफुल एटीट्यूड रहा है, जिस चीज के पीछे पड़ गए और अपनी कन्विक्शंस हैं। जैसे कुछ लोगों ने सवाल किए तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। जितनी बुद्धि ईश्वर ने मुझे दी है, मैंने हर मुमकिन कोशिश की जानने की, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। तो अब ये जो उन्होंने कहा कि किंतु भाग्यवश चूक जाती है, संभवतः तुम एक कठिन व्यक्ति हो सके तो अपने कर्म खराब मत कर, उसे खुश रखा कर। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, हालांकि छोटी सी बात है, एक इतनी बड़ी शक्ति जो ईश्वर का रूप है, ईश्वर का अंश है, वो मुझे लिख के भेज रहे हैं। कर्म खराब करने की बात क्या है, उसे खुश रखने की बात क्यों है, मैं एक कठिन व्यक्ति क्यों हूं? पहली बात तो उन्होंने पहले कहा था कि इसको ईश्वर ने भेजा है।
इसको यहाँ से अपने पास से भेजना मत, ये तेरा रक्षा कवच है। अब ये किस लेवल पे वो क्यों कह रहे थे, हालांकि कुछ घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी घटी जिनसे उन्होंने मुझे रिमाइंड भी कराया कि तेरा रक्षा कवच है या नहीं, तू बचा, इसके कारण बचा। अब ईश्वर की तरफ से मतलब कहने का ये है कि हमारा हिसाब किताब है सबके साथ में, जो भी आपके जीवन में है अच्छा या बुरा, आपका उसके साथ में हिसाब किताब है और हमको भुगतना होगा, हिसाब किताब चुकाना होगा। अब जो उन्होंने कहा कर्म खराब मत कर, देखिए एक हिसाब किताब है, किसी को ईश्वर ने आपके भले के लिए आपके पास भेजा है और उसको उस कर्म की वजह से, भाग्य की वजह से चिंता है, उसका प्रयास रहता है कि हम गुरु घर जाएं, पाठ करें, सुमरण करें और जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। लेकिन एक आदमी अपने कर्म, अपने भाग्य की वजह से कठिन व्यक्ति है, डिफिकल्ट है, जल्दी वो बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, यह संदेह करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद ही प्रटेंड कर रही हूं कि प्रभु जी बोल रहे हैं। तो उनके उन्होंने उत्तर दिए और कर्म खराब करने की बात यह है कि जब आपका हिसाब किताब है तो उसको सीधे होके निपटाइए, उसको खुश रखिए। अगर आप उसके मन को चोट पहुंचाएंगे, वो एक पवित्र आत्मा है, संत है, उसका पीछे जन्म में बड़ा तप है, मेरे साथ में हिसाब किताब था, तो उसको खुश रखने से, मेरे कर्म खराब होने से बच जाए। ये कई बार उन्होंने कहा, किसी के साथ में भी जिसके साथ आपका हिसाब किताब है, अगर आप सीधे होकर उसको चुकता नहीं करते हैं, मैं गरुड़ पुराण पर नजर डाल रहा था, उसमें भी ये जिक्र आ रहा था कि जो दयावान लोग हैं, धर्मी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लोगों का भला करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा होती है, वो नर्क से बच जाते हैं। तो ये जो कर्म है जो आपने बोया वो अंकुरित हुआ, उसका जो फल है आपको भोगना होगा। तो वो संकेतिक भाषा में भी मुझे कह रहे हैं कि यदि तुम इससे रुष्ट होगे, इस पर क्रोधित होगे, इसे दुखी करोगे, इसकी आत्मा को चोट पहुंचाओगे, तो तुम्हारे कर्म खराब होंगे। यानी पहले जो कर्म खराब हुए जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आई और आ रही हैं और कुछ आगे आ सकती हैं, उन सब के बारे में, और मैं ये बार बार कहना चाहता हूं और मैंने कहा भी होगा कि ये शक्तियां संकेतिक भाषा में बात करती हैं। जैसे आपको सपना आता है, दृष्टांत बनता है कई बार लोगों को और उनके सपने सच होते हैं और उनको लगता है सपना था, डिपेंड करता है कि आपकी अवस्था क्या है। तो जो भी आपके जीवन में घट रहा है, जो लोग भी आपके जीवन में हैं, जैसे मैंने बार बार कहा था कि भाई मेरे जीवन में घटा तो मैं उसके एपिसोड बना के यहाँ डालता रहूं, लेकिन मकसद क्या है? मकसद यह है कि जैसे मेरा जीवन बदल गया, मेरे जीवन का कायाकल्प हो गया, ऐसे ही सबके जीवन का कायाकल्प होना चाहिए। मेरा कोई और मकसद नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं तो आप लोगों को जानता नहीं हूं, कौन कहां रहता है, किस कंट्री में, किस स्टेट में रहता है, मुझे किसी का नाम भी नहीं मालूम है। आप मुझे देखते हैं इसलिए पहचानते हैं, लेकिन हम लोग तो कभी मिले भी नहीं। लेकिन उस मालिक के सिस्टम में ये सब रिकॉर्ड होता है। अगर बिल्कुल किसी स्वार्थ के बगैर निष्काम होकर मैं ये प्रयास करता हूं और ये बात किसी की पकड़ में आ जाती है कि जिसके साथ भी कोई अच्छा या बुरा आपके जीवन में है, वो आपका बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, उसको आपने निपटना है, स्वीकार करना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है, उस मालिक का नाम जपना है, उससे माफिया मांगनी है, नाक रगड़ना है, पुनर्दान करना है, दया करनी है, ताकि ये जो खाता हमारा है ये क्लियर हो। और इस प्रोसेस में हमने कुछ गलत काम करके अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। पहले खराब थे इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन अब हमने और अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। तो मुझे वो संकेत दे रहे हैं कि इस पे रुष्ट होकर, क्रोधित होकर या आवेश में आकर, इसके मन को चोट पहुंचाकर तुम अपने कर्म खराब मत करना। ये मैं सबसे कहता हूं कि जैसा उन्होंने मुझे कहा, ये मैं पिछले एपिसोड में जिक्र कर चुका हूं कि इनसे माफी मांग, उससे माफी मांग, माफी और आज्ञा। पौधे से भी अगर आपने कुछ लेना है तो पहले उससे आज्ञा लें, फिर उससे लें, फल लेते हैं, जो भी लेते हैं, पत्ते लेते हैं, और फिर उसके धन्यवाद करें, माफी मांगें, आज्ञा लें, धन्यवाद करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो जो भी लोग आपके जीवन में हैं, मान लीजिए पति पत्नी हैं या भाई हैं या रिश्तेदार हैं कोई, अगर वो आपको तंग कर रहे हैं, मान लीजिए
वो आपको बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो ये बात आप समझ लें कि आपका उनसे हिसाब किताब होगा। आपने उनका बुरा किया होगा, अब वो आपका बुरा कर रहे हैं। बहुत से लोग हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कष्ट में हैं, ऊपरी चक्कर है, किया कराया, खिलाया पिलाया है, या बीमारियां हैं, असाध्य रोग हैं, टेस्ट करवाते उसमें आती नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि सारा, मैंने अभी जो इससे पहले एपिसोड डाले तीन, 722, 723, 724, उनमें यही है। जो मेरे पास सज्जन आए तो ईश्वर ने मुझे इशारा किया, रिकॉर्ड कर, मैं पाठ सुनते हुए आया था, हमारे सहज पाठ साहब थे चल रहे, तो वो सुन के आया, तो वही वो लोग आ गए यहाँ आके रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और उन्होंने मुझे बताया, कल ही फोन पे मेरी बात हुई, कि उनको राहत भी मिल गई है। मुझसे तो ईश्वर ने कहलवा दिया कि ये ठीक हो जाएगा। मैंने कह दिया मैं तो कोई नहीं हूँ, मुझे ऐसा इंडिकेशन आया कि बोल दे, मैंने बोल दिया। तो दुखी हैं लोग, लेकिन कर्म से, उसका जो रूट कॉज है वो कर्म है, पाप कर्म। अब मैं तो कोई बाबा नहीं हूं, कोई संत नहीं हूं, ना मेरे पास कोई ताकत है, ना कोई शक्ति, ना सिद्धि, लेकिन ये रास्ता है गुरु नानक देव जी महाराज का, आप इसे इस्तेमाल करें। और मैं बार बार उनसे भी, मैंने कहा उन एपिसोड को आप ध्यान से देखें, उनमें जो हल बताए गए हैं, जो समाधान बताए गए हैं, जो उपाय बताए गए, उन सबको नोट कर लें, तो उनका अनुसरण करें, जितनों का कर सकते हैं वो उपाय करें आप, तो आपको राहत मिलनी चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए। मैंने उनसे भी कहा था कि आपके कर्म के हिसाब से आपको रास्ता मिलेगा, कोई ना कोई विधि बनेगी। तो जो लोग दुखी हैं वो एक तो अपने कर्म खराब ना करें, जैसा मुझे संकेत आया। हम अपने परिवार में भी कुछ मिसबिहेव करके और कर्म खराब करते रहते हैं, उसका फल हमें आगे भुगतना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण में भी बहुत स्पष्ट लिखा है कि उससे आप बच नहीं सकते। तो पोस्टपोनमेंट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये तो होता है। ईश्वर का नाम जपने से, प्रार्थनाएं करने से, माफिया मांगने से, पुनर्दान करने से, आप जितना ज्यादा पुनर्दान कर सकते हैं किया करें, डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ राहत मिलेगी। तो जो बहुत दुखी लोग हैं वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करें, ये तीन एपिसोड ध्यान से देखें, लिख लें और वो उपाय करें। उससे अलावा भी हमने उसके पहले कुछ एपिसोड डाले हुए हैं, कुछ उपाय बताए थे, वो नारियल वाला जो शुक्रवार को रखना है, चने की दाल और दो लड्डू सफ़ेद कपड़े में सिरान रखने, और शनिवार को उनको बहते हुए पानी में फेंक आना है, बोलना नहीं, किससे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कुछ लोगों ने लिखा कि उनको बहुत राहत मिली उससे। ऐसे कुछ नुस्खे हैं, टोटके हैं, जो काम आ जाते हैं कई बार, लेकिन अगर बड़ा मामला हो तो उसमें नहीं आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुझे कहा कि कर्म मत खराब कर लेना। और मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि जो कुछ भी, जैसे उस मालिक, वो जो हरि नारायण अल्लाह वाहिगुरु गॉड है, उनके दरबार से उनका रूप, उनका कण, एक शक्ति जो मुझे निर्देश दे रही है, उस ईश्वर के आदेश पर, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं तो रास्ते की धूल भी नहीं हूं उनके, मैं तो रास्ते में पड़ा हुआ उनके तिनका भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन ये मेरा अहो भाग्य था, मैंने जो पीछे बोया था वो अंकुरित हुआ, तब इतनी बड़ी कृपा हुई। तो अगर आप लोग भी प्रयास करेंगे तो आप भी कृपा हो सकती है। तो इस पैराग्राफ में सचेत किया कि अपने कर्म मत खराब कर लेना। हम लोग नॉर्मली मिसबिहेव करते रहते हैं लोगों के साथ में, और हमको पता नहीं चलता कि हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं। पुनर्दान करते हैं, पाठ जाप करते हैं, सुमरण करते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, लेकिन बुरा बिहेव भी करते रहते हैं तो कर्म खराब भी करते रहते हैं। झूठ फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी, क्रूरता, ये सब नुकसानदेह हैं, अपने कर्म खराब करने वाली बात है। खैर, तो उसके बाद लास्ट में उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि जो भी 301 मेरा ऑफिस था और 303 में हमारा निवास था, तो ये कहा था कि जितना भी उसमें कचरा है, जंग लगा हुआ सामान सब निकाल दे बाहर कर, उसको, उससे नेगेटिविटी आती है। तो मैं लगा हुआ था सफाई करने, उनके आदेश को मानते हुए, प्रभु जी के आदेश को मानते हुए। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा लास्ट पैराग्राफ में कि तू मेरा कहना मानकर 301 और 303 में से सारा कचरा निकाल रहा है, अच्छा है। बहुत ब्रीफली टू द पॉइंट लिखते थे, और अंत में जो नॉर्मली वो लिखते थे, हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। तो ये छोटा सा एक सवा पेज का मुझे मैसेज आया था, जो 107वां एपिसोड बन गया है। तो इससे सीखना हमको यही है कि बचिएगा, हम जाने अनजाने में अपने कर्म खराब करते रहते हैं। पहले ही हमारे कर्म खराब थे, वहां का मामला बड़ा सेंसिटिव है, बहुत सूक्ष्म मामला है। हम लोग स्थूल के लेवल पे जीते हैं,
झगड़े, बदले, धोखाधड़ियां, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, नशाखोरी, धोखाधड़ियां, बेईमानियां, किसी का हक मार लेना, लालच, फरेब, इससे बचिएगा। व्यभिचार, अपनी पत्नी या पति के अलावा इधर उधर संबंध बनाना या नजर में मैल रखना, विचारों में, ये बड़ा सूक्ष्म मामला है। इसीलिए इस पे चलना बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके लिए अच्छा भाग्य, अच्छे कर्म चाहिए। तो मैंने उन तीन एपिसोड में भी एक दो जगह कहा है कि इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितना अच्छा बोल सकते हो, जितना पुनर्दान कर सकते हो, इस चक्कर में मत रहना कि जब मेरे पास बहुत आ जाएगा तब करूँगा। नहीं, इसका भी मैंने एपिसोड डाला हुआ है कि अगर तुम्हारे पास दो रोटियाँ, एक भूखा आ गया तो एक दे दी, ये भी बहुत बड़ा दान है, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन अगर वो ज़्यादा भूखा है और आप बर्दाश्त कर सकते हो, उसको दोनों रोटी दे दी, तो ये महापुण्य बन जाता है। एक राजा की कथा का जिक्र हमने किया था कि उसको इसका इतना बड़ा फल था कि खरीदने वाला पुण्य हाथ खड़े कर गया कि इसका तो मैं दे ही नहीं सकता, इसको खरीद ही नहीं सकता हूं। तो जो भी आपके पास साधन है, जैसे जो लोग बहुत दुखी हैं, तो मैं उनसे कहता रहता हूँ, गौशाला अगर आपके आसपास है तो उसमें गांव की सेवा किया, गाय को जाके चारा वारा डाल के आया करें, हफ्ते में एक बार डाल दें। अगर ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं आप, उनको दो चार कुंटल नहीं डाल सकते तो कुछ किलो डाल दें, जितनी आपकी ये नहीं आपके अलाव करती है जेब आपको, उतना कर दें, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। ये आजमाए हुए नुस्खे हैं। गऊओं को अगर आप दान करते हैं, गरीबों में जाके आप कुछ दान करते हैं, मैंने ये जिक्र किया था कहीं कि जो दरवेश होते हैं उनके यहाँ एक बार ये जिक्र हुआ था, मेरे माता जी उनको बहुत मानते थे, बाबा सरवन सिंह जी दरवेश पतुही खेड़ा वाले, उनको बहुत मानते थे वो। उनकी जगह यहाँ ये दरवेशों की एक पूरी जो है एक चलती है गद्दी, तो जगराव में उनका मेन सेंटर था, वहाँ की रोशनी बड़ी मशहूर है, पूना में भी, वहाँ से थोड़ी दूर पर है। किसी के घर में बहुत भयंकर बीमारी थी, उनके पास आए तो उनसे कहने लगे कि भाई आप जो है ना मीठे चावल बना के गुड़ के उनका दान करो। तो उन्हें कितने किलो पूछने लग गए, तो वो जो सदगुरु ने कहते थे बाबा सरवन सिंह जी दरवेश, तो उनसे कहने लगे कि अरे ये पूछ रहे हैं, इतने पाप किए हैं तो तुम लोग तो कड़ाहा बोलते हैं उसको, हमारे पंजाबी बहुत बड़ी, जैसे मुसलमान भाइयों में देग बोलते हैं, देगची, तो इतने बड़े बड़े कड़ाहों में बना के गिनती मत करना, बांटो, खिलाओ, तब शायद तुम्हें राहत मिले। तो मुझे याद रहा हमेशा। तो पुण्यदान करने से कटता है, ट्रांसफर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और गौ माता की सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपके जो कर्म हैं, जो आपके ऊपर नेगेटिविटी है, उसको लेके उसको अपने गोबर से बाहर निकाल देती है, उससे किसी का ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए मैं बार बार ये जिक्र करता हूं, तो एक तो बचे, अपने कर्म मत खराब करें। हम लोगों को एहसास नहीं होता है, हम लोग बहुत कैजुअली लेते हैं और अपने कर्म साथ साथ खराब भी करते रहते हैं। हमारी आत्मा की वो मटकी जिसमें हमने अच्छे कर्म संचित कर्म हमने इकट्ठे कर दें, उसका जमा कर दें हैं, हम उसमें खुराफात करके सुराख करते रहते हैं, क्लेश करके, गालियां बक के, किसी का अपमान करके, किसी के मन को चोट पहुंचा के, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म और सेंसिटिव रास्ता है। आप इतने निर्बल हो जाएंगे जब, जैसे बच्चा निश्चल होता है, ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बने आई, सब अपने लगते हैं, आप पेड़ों से, पौधों से, फूलों से, धरती से, मिट्टी से, कीड़ों से, जानवरों से बातचीत करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि सब में वही है, वो सेम, जो इन्होंने किरलियन फोटोग्राफी से रशियंस ने ये ट्राई किया है, सेम एनर्जी है सब में, इसका मैंने जिक्र किया हुआ है। और मैंने इस पर मैं स्पेशली एक एपिसोड तैयार करूंगा ईश्वर की कृपा से, कि मधुमक्खियों से मैंने बात की और बहुत बड़ा छत्ता वो दिखाऊंगा भी, कि उनसे जाके मैंने बात की, छः महीने से वो जा नहीं रही थी और हमारा काम रुका हुआ था, और फिर मजबूरन जाके, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने उनसे जाके प्रार्थना की और कहा कि आप लोग चले जाओ, और मुझे उम्मीद नहीं थी। रात को शाम के वक्त मैंने प्रार्थना की और दूसरे दिन सुबह वो चली गई। मुझे उनका बहुत कहीं दुख भी हुआ कि कहाँ गई होंगी भाई। इतनी जल्दी अपना शहर लेके चली गई, यही मैंने कहा था, अपना शहर लेके चली जाओ, कहीं और घर बना लो जाके। तो हमको कोई खड़े पैर कह दिया कि भाई उठाओ अपना सामान, कितना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने मेरा कहना, मेरी प्रार्थना स्वीकार की और चली गई। तो उससे ये पता चला कि सबके अंदर वो ईश्वर व्याप्त है,
अगर भाव है जो भावना है उसकी भाषा को सब समझते हैं, बशर्ते आप उस अवस्था तक पहुंचे, विश्वास के साथ उनसे बात करें, वो सुनेंगे। तो कुल मिला के इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे एक एपिसोड बना के, लेकिन कुल मिला के यहाँ मेरी प्रार्थना है, अपने कर्म खराब करने से बचें, और जो भी आपके जीवन में है उससे आपका हिसाब किताब है। मैंने अध्यात्म विचार सिद्धांत एक एपिसोड डाला हुआ है, उसको भी देखिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। जो भी लोग हमारे जीवन में आते हैं, या तो बदला लेने आते हैं, हमें कुछ सबक सिखाने आते हैं, कोई कारण होता है, कोई मकसद होता है, ऐसे नहीं आते। तो जब आप ये स्वीकार कर लेंगे और सब कुछ पहले से प्रीडेस्टिन्ड सुनिश्चित है, कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता है, कोई हमारा भला नहीं कर सकता है, हमारा हिसाब किताब हमारे कर्म है, उसके हिसाब से जो हमको मिलना है हमको ही मिलना है, जो नहीं मिलना हमको नहीं मिलना है, हम जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लें। तो इस एपिसोड में बस मेन उद्देश्य यही था इसका, बचिएगा, अपने कर्म मत खराब करिएगा, और पहचानिएगा, सोचिएगा कि हिसाब किताब है, जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारी ऑर्बिट में जितने लोग हैं उनके साथ हमारा हिसाब किताब है। कोई पुत्र बन के, कोई पुत्री बन के, कोई माता पिता बन के, भाई बहन बन के, पड़ोसी बन के, शत्रु बन के, मित्र बन के, जैसे भी, सबके साथ हिसाब किताब है, अन्यथा वो आदमी हमारे दायरे में, हमारे ऑर्बिट में आए गए नहीं। जब इसको आप स्वीकार कर लेंगे और निरंतर ईश्वर का नाम जपेंगे, रात को रिपीट पे लगाएंगे, माफिया मांगेंगे, धन्यवाद करेंगे, पुनर्दान करेंगे, दया करेंगे, नेक बनेंगे, अच्छों की संगत करेंगे, नेक लोगों की संगत करेंगे, तो धीरे धीरे आप हैरान होते चले जाएंगे, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, जैसे मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ। और इसमें बहुत साल लग गए, बहुत जन्म लग गए, ये जो कृपा मेरे ऊपर हुई, जो संदेश मुझे आने शुरू हुए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पिछले किसी जन्म में आए नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये संदेश, ये उत्तर मुझे पहले मिल जाते तो मेरे जीवन का उसी वक्त वहीं से कायाकल्प हो जाता, जो मैं डिमोट होते होते नीचे आते चला गया, नीचे आते चला गया। मैं नीचे नहीं आता इतना, मैं महाराजा से, चक्रवर्ती, सम्राट से नीचे आना शुरू हुआ हूँ और यहाँ तक आ गया हूँ, तो ये नहीं होता। लेकिन ये मेरा अवभाग्य था कि ईश्वर को मेरे ऊपर दया आई और उन्होंने अपने ही किसी रूप, अपने अंश को भेजा मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मेरे सारे सवालों के उत्तर देके मेरे जीवन का कायाकल्प करने के लिए। तो मेरी प्रार्थना है, मेरी कोशिश है, मेरी इच्छा है कि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर वो ध्यान से सुनेंगे और विश्वास करेंगे तो उनके भी जीवन का मेरी ही तरह कायाकल्प हो। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहबान। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।